जो गोदी मीडिया है, जो बड़े प्रमुख चैनल हैं, पूरी तरह बिकाऊ हैं और संघी मानसिकता के हैं, वो भी सच्चाई को सामने नहीं लाते पब्लिक। वो जो ऊपर से सरकार का ऑर्डर है, मोदी सरकार का, तानाशाही सरकार का, वो भी वो पूरी तरह लोगों के सामने रखते हैं। आदाब, पलपल न्यूज से मैं आपके साथ मोहम्मद फैज़ खान। हमारे साथ मौजूद हैं सुबेर अहमद। उनसे जानते हैं कि कल दंगा प्रभावित इलाकों में जब राहुल गांधी कुछ लोगों के साथ पहुंचे तो वहां उनसे मायना करने के लिए मना कर दिया। लोगों से जो प्रभावित लोग हैं, दंगे से प्रभावित लोग हैं, घायल लोग हैं, उनसे मिलने को मना कर दिया। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो बीजेपी की सरकार है, इस टाइम पूरी तानाशाही रवैया अपनाई हुई है और ये नहीं चाहती कि कोई भी किसी को भी आम पब्लिक को इस बात की सच्चाई पता लगे कि ये दंगे किसके इशारे पे किए गए हैं, क्योंकि इसमें पूरी पूरी तरह इन्वॉल्व बीजेपी है। बीजेपी के कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए हैं और वो इसका इल्ज़ाम उल्टा अपने बचाव के लिए राहुल और सोनिया गांधी जी को उल्टा इल्ज़ाम लगाती है, जबकि सच्चाई ये है जो बीजेपी के कपिल मिश्रा हैं, प्रवेश वर्मा हैं, अनुराग ठाकुर हैं, उनके इस तरह के भाषण रहे कि उनकी वजह से ही एक दिन पहले कमिल मिश्रा वहाँ पर गए थे मौजपुर में और उन्होंने इस तरह की नफरत वाली भाषा का यूज़ किया कि दंगे भड़क उठे। मैं जिम्मेदार वो हैं और ये नहीं चाहते कि सच्चाई जो है आम लोगों को पता लगे, इसी वजह से राहुल गांधी को आम लोगों से मिलने नहीं दिया गया। और मीडिया भी, जो गोदी मीडिया है, जो बड़े प्रमुख चैनल हैं, पूरी तरह बिकाऊ हैं और संघी मानसिकता के हैं, वो भी सच्चाई को सामने नहीं लाते पब्लिक। वो जो ऊपर से सरकार का ऑर्डर है, मोदी सरकार का, तानाशाही सरकार का, वो भी वो पूरी तरह लोगों के सामने रखते हैं। अब आपसे पूछना चाहेंगे कि संसद जो है वो माहौल पे बात करने के लिए जब वो कहती है कि दिल्ली दंगों पे मुद्दे पे बात की जाए, तो संसद में ओम बिरला कहते हैं कि इस मुद्दे पे बात होली के बाद की जाएगी, और जब विपक्ष इस पर सवाल उठाते हैं या मुद्दे को उठाते हैं संसद में तो कहते हैं आपकी सदस्यता रद्द की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं? तो ये पूरी तरह दिखाई दे रहा है, पूरी तरह तानाशाही रवैया है। ये चाहते ही नहीं, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ या तो सदस्यता रद्द करने की बात करते हैं या किसी के पे आईटी रेड डलवा देते हैं, किसी पे सीबीआई छापे डलवा देते हैं, यहाँ तक कि जज भी अगर इस तरह के फैसले लेता तो उनके या तो तबादले करवा दिए जाते हैं या पीछे मरवा भी दिए जाते हैं, यहाँ तक भी इस तरह के इनके केसेस। तो ये तो पूरी हिटलर शाही पे पूरी तरह उतरे हुए हैं। इन्हें अपने खिलाफ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये नहीं सोचते कि ये बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हैं कि सच्चाई जो है वो आम लोगों को पता लगे। ये पूरी तरह सिर्फ अपना ही प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही सच हैं और सब गलत हैं। इस वजह से जो है वो अपनी डिमांड रखें, दंगे अब हुए हैं और उसकी जो कार्रवाई होगी, जो उस पर मतलब आपस में डिस्कस चर्चा होगी, वो होली के बाद होगी। मतलब ये कहाँ का तुक है? ऐसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके दबाव में फैसला दिया कि 13 अप्रैल को सुनवाई होगी, दंगे आज हो रहे हैं और सुनवाई बाद में होगी। यानी कि सारी चीज़ों को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है पूरी तरह और ये तानाशाही पर उतरे हुए हैं। तो इसी वजह से ये नहीं चाहते कि कोई हमारे सामने किसी तरह से बोल पाए और हमारी जो है पोल खुल जाए लोगों के साथ। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस दौरान अमित शाह ये कहते हैं कि एक बटन बाबरपुर में दबाएंगे जिसका करंट शाइन बाग तक जाएगा, तो मौजपुर और बाबरपुर दोनों इलाके साथ में है, तो पता चल रहा है कि ये इनकी प्री प्लानिंग थी और इन्होंने बटन दबाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ठीक है, इनकी पूरी प्लानिंग थी, इन्होंने पूरा ही सोच लिया था कि पहले तरह कि इसे जो है अगर हम किसी तरह इलेक्शन हार गए तो हमें जो है दिल्ली को आग में झोंक देना। ये इन्होंने पूरी तरह नफरत की राजनीति पे तुले में है और उन्हें ज़रा सी भी अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। हर हथकंडा उसमें अपनाते हैं लोगों को परेशान करने में। अगर इन्हें कोई वोट नहीं देती पब्लिक, उसे भी परेशान करते हैं। नेता उनके खिलाफ बोलता है उसे भी परेशान करते हैं। अधिकारी कोई आवाज़ उठाता उसे भी परेशान करते हैं। मीडिया कोई आवाज़ उठाती है उसे भी परेशान करते हैं। और ये हुआ दिल्ली में क्योंकि ये बुरी तरह पराजित हुए, उसी वजह से इन्होंने पूरी तरह सोची समझी रणनीति के तहत और पूरी प्लानिंग के तहत ये षड्यंत्र रचा और दिल्ली को आग में झोंक दिया। दूसरा इसमें यह भी है कि जो CA NRC के खिलाफ पूरी तरह प्रदर्शन हो रहे हैं, ये चाहते किसी तरह इन्हें उठा दिया जाए क्योंकि ये आवाज़ इंटरनेशनल आवाज़ बन चुकी है, विदेशों तक पहुंच चुकी है और ये हर तरह से ये चाहते हैं कि इस आवाज़ को दबा दिया जाए। ये भी एक दंगों की प्लानिंग थी कि इससे डर कर जो है ये लोग घरों में बैठ जाएंगे, जबकि ऐसा होगा नहीं, पूरी तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार। अधीर रंजन, जब अमित शाह पे सवाल उठाते हैं या उन्हें कुछ एक टिप्पणी कहते हैं तो देखा गया कि लोगों ने उनके ऑफिस पर पथराव करा, उनके घर पर पथराव करा, किस तरीके से? देखिए, अमित शाह खुद एक तड़ी पार है, उनकी गुंडई पूरी राजनीति गुंडई वाली है, पूरी तरह वो जो है लोगों को डराने धमकाने, यहाँ तक कि जज को भी उन्होंने मरवा दिया जब उन पर कोई बात नौबत आती है। तो उसी तरह से वो जो लोग हैं, जो अधीर रंजन चौधरी जब वहाँ आवाज़ उठाते हैं, तो वो सब RSS के और मोदी अमित शाह के इन लोगों के गुंडे हैं।
जो जाकर उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वो अपने अगर पुलिस काम नहीं कर पाती तो वो गुंडों से काम करवाते हैं, वो आवाज़ को दबाना चाहते हैं कि कोई उनके खिलाफ बोल ना पाए। इसी वजह से उन्होंने हमारे लोकसभा नेता अधीरंजन चौधरी के घर पर भी जाकर अपने गुंडे भेजकर उनके घर पर पूरी तरह तोड़फोड़ करवाई, जिससे मतलब उन्हें डराना मकसद है कि डर जाएं और फिर आवाज़ ना उठे। जो भी जोरदार इनके खिलाफ आवाज़ उठाता उसे किसी ना किसी तरह ब्लैकमेल करते हैं, दबाते हैं, डराते हैं, कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश करते हैं। ये इनका ये जिस तरीके से दंगा शुरू हुआ था, कहा गया था कि सीए के अपोज में जो है और जो सीए के सपोर्ट में, वो आपस में मतलब वो खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन देखा गया कि किसी एक विशेष समुदाय को देखकर निशाना बनाया गया। क्योंकि जब हम लोग दौरा करने गए दंगा प्रभावित इलाकों में, तो हमने देखा कि साफ तौर पर कि कुछ दुकानें एक समुदाय की हैं, तो उस बीच एक अगर दूसरे समुदाय की दुकान है तो उसको जलाया गया है उसमें लूट मार की गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरी तरह समझी सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है, और इसके लिए बाहर से दिल्ली से बाहर के भी लोग इन लोगों ने बुलाए, गुंडे टाइप के, और पूरी तरह उन्हें निशानदेही कर दी कि ये इस कम्युनिटी की है, इस कम्युनिटी पर आप पे हमला नहीं करना है, जो एक विशेष कम्युनिटी है आपको उसे टारगेट करना है। और पूरी तरह से ये यूपी से दूसरी जगह से इस तरह के लोग आए, जो सबूत है, और इनका उद्देश्य था कि डराना, एक विशेष कम्युनिटी के अंदर खौफ बैठाना कि जिससे ये हमारे खिलाफ क्योंकि किसी तरह से बोल ना पाए। और इन्होंने इसे ये जो प्रोटेस्ट है, ये हिंदू मुस्लिम तो प्रोटेस्ट है ही नहीं, लेकिन ये बनाना चाह रहे कि हिंदू मुस्लिम बन जाए, क्योंकि इसमें नागरिकता या NRC का मसला, इसमें तो गरीब आदमी परेशान होगा, ना मुसलमान परेशान होगा ना हिंदू, जो गरीब लोग हैं वो परेशान होंगे, लेकिन ये इसे ये मुद्दा बनाना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पूरी तरह बन जाए और आपस में दंगे बढ़ जाएं, जिससे इनमें आपस में डिवाइड हो जाए और हमारा जो राजनीतिक मकसद है पोलराइजेशन का, वो पूरा हो जाए। इसी वजह से इन्होंने ये सब कराया।